इंदौर जिले के देपालपुर में युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां चिकन की दुकान पर मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवक के सर पर रॉड मार दी है। गंभीर हालत में अरविंदो अस्पताल रेफर किया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार देपालपुर के अहिरखेड़ी गांव निवासी गौतम सोलंकी हिंदू संगठन का कार्यकर्ता था। रविवार रात मिर्जापुर गांव में गौतम की हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर एक आरोपित कामरान पुत्र अक्रम निवासी फुल कराड़िया को हिरासत में ले लिया है। वही अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। युवक गौतम के पिता मधुसूदन सोलंकी का टेंट का व्यवसाय है और युवक भी अपने पिता के टेंट हाउस के काम में हाथ बटाता था। वही हत्याकांड को लेकर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। मर्ग कायम हुआ है। हाँ, मर्ग कायम। क्या है प्रॉब्लम? ये मर्ग इस प्रकार से है कि मिर्जापुर फाटा चौराहे के पास में आपसी विवाद के कारण एक व्यक्ति को सर पे किसी हथियार से मारा गया है, जिससे वो चोटी लगे उसकी डेथ हो गई, तो जिसका आज पीएम कराया जा रहा है। क्या नाम था युवक का? ये युवक है, 21 साल का युवक है। ये गौतम सोलंकी, पिता मधुसूदन सोलंकी नाम से है। ये देपालपुर का रहने वाला है। कुछ कारण सामने आया क्या? इसका भी अभी प्रॉपर कारण तो सामने आया नहीं है, अभी जांच की जा रही है। जांच के दौरान अगर पता चलता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? सब इंस्पेक्टर संजय दुर्वे, बाड़ंगा थाने से। जिनकी हत्या की गई, ये मधु टेंट हाउस मधुसूदन सोलंकी जो अहिरखेड़ी है उनके मतलब उनका बेटा था। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? इसकी उम्र 18-19 साल होगी। क्या नाम था? गौतम सोलंकी। क्या काम करते थे? ये टेंट हाउस का ही काम था वैसे तो। तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये हत्या करी है? जो इसके साथ एक लड़का था वो बता रहा था कि वो मुमेडल लड़के थे तीन, वो मटन काटने वाले बक्के से उसको सिर पे। कारण क्या रहा हत्या करने का? वो कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। कभी बताया आपने कि कोई कोई रंजिश नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई आपसी रंजिश? किसी कोई ऐसा तो नहीं, कोई धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा? कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो काम कर रहा था घर पे, उसने बोला बाइक चाहिए, तो अभी बाइक में थोड़ी देर से ला रहे हैं, बाइक ले जा रहे हैं। इतने वो किसी को हाथ दे के मिर्जापुर आ गया, और मिर्जापुर बस जैसे 5:30 मतलब 5 बजे के समथिंग वो हमारे पास से अलग गया, और 6:30 बजे पता चल गया वो मार डाला उसने। तो क्या नाम थे तीनों जिनने हत्या करी? नाम अभी वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाए। अच्छा, लेकिन कुछ तो कारण कभी कुछ बताया होगा कुछ तीनों? वो लड़का जो चश्मदे थे वो जो साथ था वो घबरा इतना ज्यादा गया को कुछ तो भी बोल रहा है, और वो थाने में पुलिस वाले ने हैंड ओवर कर दिया गया उसको, इनके पास ही है वो। अब जो भी आएगा स्पष्टीकरण आएगा। गौतम सोलंकी। आपका? मेरा नाम मोहन आजी। मेरे दोस्त का लड़का था उसका।